में रहता है। आदिल अभी तुम जाओ, किसी कुतिया की बैंड बजानी है मुझे। ओके बाय आदिल, आई लव यू। अरे रुको ना रुको ना आदिल, नहीं उनके सामने पॉइंट टू बी नोटेड। चलो हाँ, हेलानो नियो ऐसे ही एक्टिंग करी थी ना। शर्लिन चोपड़ा की तरफ फ्री नहीं बैठी हूँ कि लोगों पे फालतू के इल्ज़ाम लगाऊं, है ना। और मैं शूटिंग कर रही थी, मेरा काम है, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ और मैं हमेशा शूटिंग में बिज़ी रहती हूँ। तो इसीलिए मैं रिप्लाई देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, करारा जवाब देने के लिए, चप्पल से मारने के लिए मैं अभी आई हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? चलो 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 चलो, आप लोग मीडिया से नहीं है ना, चलो 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 यहाँ से, चलो निकलो निकलो निकलो, मीडिया से नहीं हो तो निकलो, सर पे मत खड़े रहो, चलो जी। अरे तू इधर इंटरव्यू में देख, भगा वहाँ से, भगा वहाँ से, हाँ जो मीडिया से नहीं है भागो यहाँ से जी। पहली बात तो शर्लिन चोपड़ा ने जितने भी फालतूगिरी डांस किया मेरे आदिल को लेके, जैसा अभी जो किया, वो जो फालतूगिरी का बात बोला है मुझे, मैं शूटिंग कर रही थी, मुझे सब ने वीडियो भेजे, मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आई कि एक पागल कुतिया को कैसे जहरीला, खुद बहुत जहरीली, एक सांप काट लेता है तो चिल्ला उठती है। एक्चुअली क्या है ना, शर्लिन चोपड़ा सालों से, भाई थोड़ा सा नीचे, शर्लिन चोपड़ा सालों से आदमियों को गंदगी कर करके पॉर्न टाइप वीडियो बनाती है खुद के साथ और उनको ब्लैकमेल करती है। मैं उसको तब से जानती हूँ जब मैं दिल बोले हड़िप्पा फिल्म कर रही थी, तब से जानती हूँ। इवन उस टाइम पे भी डायरेक्टर बहुत सारे लोगों को, वो पहले अपना मस्त वाइन वाइन पीती है, पूरी ठरकी पंती करती है, फिर उसके पंजे में लड़का आदमी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अन्य मंत्री शंत्री ललित, नाम सब उसको समझ में आ गया, ललित किसकी बात कर रही हूँ मैं, बहुत फेमस है आजकल, बहुत फेमस हुआ था एक लव स्टोरी में ललित, ये सब फंस जाते हैं। फिर वो शर्लिन चोपड़ा जो है अपने वीडियो दिखा दिखा के ब्लैकमेल करती है, पैसा दे वरना पुलिस स्टेशन जाऊँगी, पैसा दे वरना पुलिस स्टेशन जाऊँगी, ये इसका काम धंधा यही है। नहीं वो एक पॉर्न स्टार है, हम तो उसने मुझे तो बहुत सारा क्या क्या बोला है वो पब्लिक जाके देखे। देखिए हम तो मेहनत करते हैं बॉलीवुड में, अब चाहे हम मोटे रहें, निकलो भाई चलो 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 भाई, हम तो बॉलीवुड में मेहनत करते हैं, है ना, डांस करते हैं, रियलिटी शोज़ करते हैं, बहुत सारा ढेर सारा काम करते हैं, स्टेज शोज़ करते हैं हम तो। और मीडिया जो है ना, पैप्स, सर उस गधी को समझाओ शर्लिन को, पैप्स का मतलब क्या होता है। आप जिम में जाएंगे तो मीडिया पकड़ लेगी, आप पार्टी में जाएगी तो मीडिया पकड़ लेगी, आप किधर भी जाएगी तो आपको मीडिया पकड़ लेगी। तो उस गधी को बताओ कि पैप्स क्या होता है, ठीक है, हम मीडिया को नहीं बुलाते, मीडिया खुद पहुंच जाती है। तो ये पॉर्न स्टार जो है, अब आप बोलेंगे कैसे पॉर्न स्टार, तो अभी मैं आपको बताती हूँ के 29
2019 में ये वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई थी अलीबाग में। आप लोग को पता है कि नहीं, जो आज समाज सेवा करने उतरी है, ये समाज सेवा करने के लिए उतरी है, ये पकड़ी गई थी अलीबाग में। मैं आपको वो दिखाती हूँ कि कहाँ पकड़ी गई थी। रुकिए, ये देखिए, ये अलीगढ़ पुलिस स्टेशन से जो कंप्लेंट हुई थी ना, ये वो है अलीगढ़ पुलिस स्टेशन से जो कंप्लेंट हुई थी, ये वो है शर्लिन चोपड़ा प्रोस्टिट्यूशन में वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई थी। और जो कौन से ऐसी देश की महिलाएं हैं, मुंबई में हो या कहीं पे भी हो, जो इसको सपोर्ट कर रही है, अभी कहती है पुलिस स्टेशन में हमको नहीं पूछा गया, पुलिस स्टेशन में नहीं पूछा गया, तो अब हम सीएम के घर जाएंगे। अब ये सीएम को तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप इससे बच्चे बच के रहना, ये आपसे मीठा मीठा बात करेगी, वाइन के दो घूट मारेगी, कौन सा कैमरा कहाँ रख देगी, और स्क्रीन क्या बोलते हैं वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लेगी, सारी ज़िंदगी आपको बदनाम करेगी, आपको ब्लैकमेल करेगी शर्लिन चोपड़ा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका काम ही है ये अमीर आदमियों को पकड़ना, नामचीन आदमियों को पकड़ना, चाहे बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, इसको ये सबको पकड़ती है, ब्लैकमेल करती है, फ़ोन छुपा के अपना फिगर विगर ऐसा सब दिखाते, ऊपर से नीचे तक सर्जरी की हुई उसने, मुझे क्या क्या चर्बी की दुकान, अरे हाँ मेरी तो, मैं तो हूँ मोटी फिर भी मैं काम कर रही हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ पोर्न स्टार। तो तू ये सबको ब्लैकमेल करती है। और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मैं कि मुझे घिन आती है इसकी शक्ल देखकर। इसने कहा मैंने ये सर्जरी कराई, मैंने बालों में ये वो, मेरे पति, हम तो ईमानदारी से, मैंने तो शादी करी थी, तू तो पॉर्न स्टार है, तेरे मुंह पे तो थूक देना चाहिए देश की जनता ने। मैं देश की जनता को कहना चाहती हूँ, हर शहर शहर में इसके ऊपर ऐसे केस हो, इसके ऊपर केस हो देश के शहर शहर से। और क्यों हो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत कहती है भारतीय नारी हूँ मैं, साड़ी पहन के पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है, झूठा झूठा नाटक करती है, तो ये कौन है मैं आपको बता देती हूँ। ये है शर्लिन चोपड़ा। कौन है तो ये है शर्लिन चोपड़ा, एक पॉर्न स्टार, ये है पॉर्न स्टार शर्लिन चोपड़ा। यहाँ पे इसने गूगल में, यूट्यूब में आप जाके देखिए, आप जाके देखिए कि ये अभी न्यूड है, अब ये न्यूड हो गई है तो पूरी न्यूड बता देती हूँ। ये है शर्लिन चोपड़ा, ये देखिए, ये है शर्लिन चोपड़ा। और ये देश की नारियों को बचाने की आई है, ये है शर्लिन चोपड़ा, देखिए। ये आप सोचते हो कि मैं क्यों किसी एक स्त्री का बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे बारे में बहुत ज़्यादा फालतू मतलब बोल रही है, और ये मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि इसने अभी तक लोगों को, गलत लोगों से पंगे लिए, और अभी इसने मेरी तरफ आके गलत यूटर्न मारा है। तो ये न्यूड जो है, ये गंदगी लोगों को बता रही है हाउ टू डू फिंगरिंग, है ना। आप लोगों को भी शर्म आ रही है ना, अब आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है, आ रही है ना शर्म। देखिए ये है शर्लिन चोपड़ा, यूट्यूब में इसकी पोर्न वीडियो है। और ये कहती है, ये कहती है कि लोगों की और कौन सी देश की औरत है जो ऐसे औरत के साथ जाके सीएम के पास जाएगी, कौन सी देश की औरत है, जाइए ना, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इसीलिए दिखा रही हूँ आज। ये यूट्यूब में अवेलेबल है मैडम जी, मैं भेजती हूँ, सबको भेज देती हूँ, तेरे को भी भेज देती हूँ, मैं सबको भेजती हूँ। ये मैं इसलिए आज दिखाना चाहती हूँ कि इसने बहुत ही गंद बोला मेरे लिए, मैं मेहनत करके आई हुई लड़की, मैंने सिर्फ उसको इतना बोला था कि कभी ये साजिद खान पे रेप का आरोप लगाती है, कभी मेरे भाई राज कुंद्रा पे रेप का आरोप लगाती है,
दोनों के ही खिलाफ, साजिद के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तो कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ। अगर साबित हुआ होता तो आज वो लोग बाहर नहीं होते। मैंने तो इतना ही बोला था, तो इसको पर्सनल मेरे पे जाने की क्या जरूरत थी कि मेरे पति दस दस पति हैं, या मेरा बॉयफ्रेंड है, या मैं चर्बी की दुकान हूँ, या मेरे सर में नकली बाल है, या मैं 35 किलो मेकअप पहनती हूँ, या मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ क्या पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन अभी मैंने तेरा चेहरा जो देश की जनता को दिखा दिया कि तू अलीबाग में वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई थी, तू एक पॉर्न स्टार है, तू देश के बड़े बिजनेस टाइकून्स को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पॉन्स तेरे साथ में स्टिंग ऑपरेशन करके ब्लैकमेल करती है, पैसे पैसे मांगती है। अगर तुझे पैसे नहीं देते शर्लिन, तो तू उनको धमकियां देती है, ब्लैकमेल करती है, बीवी बीवी की धमकी देती है, ये डाइवोर्स कराने की धमकी देती है। तो ये पहले मतलब झांसा देती है, झांसा देके रूम में बुलाती है, रूम में फिर ये स्टिंग ऑपरेशन करती है अमीरों का। तो अमीर आदमी लोग, अगर आप शादीशुदा हो, बच्चे वालों हो, तो शर्लिन चोपड़ा के नाम से जो भी लड़की है जो है ना, ये आए तो इससे संभल के रहो, वरना ये आपका तलाक करा देगी। कोई एक नाम बता सकते हैं आप, अगर आपको जो जाने? वो जिन पे इल्ज़ाम लगा रही है, जिन पे इल्ज़ाम लगा रही है, और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है रो धो के, और पुलिस को वो केस में दम नहीं रखता तो इसको निकाल के फेंक देती है। अब ये देश की जो कौन सी ऐसी पार्टी या कौन सी ऐसी कार्यकर्ता महिलाएं हैं जो ऐसी पॉर्न स्टार को मदद कर रही है, मैं जानना चाहती हूँ। आप जाइए गूगल में और यूट्यूब में जाइए, इसने देश की महिलाओं को कहती है और आदमियों को कहती है हाउ टू डू फिंगरिंग, कम आई विल शो यू हाउ टू डू फिंगरिंग। तो ये अभी सबको फिंगरिंग करना सिखाएगी। ये लानत है कि ये एक भारतीय लड़की है, इस ये शर्लिन चोपड़ा के साथ में भारतीय नाम लगा है, लानत है इसको। ये सर्जरी की बात कर रही है मेरी, खुद के बूब सर्जरी उसने करवाए, उसने अपने बम सर्जरी करवाए, उसने अपना थोबड़ा सर्जरी करवाया, उसने नाक सर्जरी करवाया, उसने गाल सर्जरी करवाया। वो कहती है कि मैं चर्बी की दुकान, तो मैं उसको बता दूं, डॉक्टर भी पतले दुबले हो गए उसका लेपोसक्शन कर करके, उसके अंदर सरिये डाल डाल के, इतना बॉडी का उसका लेपोसक्शन उसने किया है कि मुर्गी की पतली टांगे रहती हैं वैसे उसकी टांगे हो गई है, आपको पता है। और एक बात सुन, तो जैसे कुतिया के जंगली और तो जैसे गधी के मुंह नहीं लगते, हम आर्टिस्ट है आर्टिस्ट, लेकिन बेटा तूने यूटर्न ले लिया, सोती हुई नागिन को तूने जगाया है, मेरी पूंछ पे पैर रख दिया, अब देख कैसे लत मारी मैंने तुझे, अब मैंने कैसे लत मारी तुझे। राखी सावन नाम है मेरा, मैं ईंट से और पत्थर से जवाब देती हूँ, तेरी असलियत पूरी दुनिया को दिखा दी मैंने कि तू एक पॉर्न स्टार है, तू एक नंगी है, नागड़ी बोलते नागड़ी भवानी, और तू कितनी बार वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई है, समझी। ये तो अभी तक मैं पुलिस स्टेशन जाके तेरे पे मानहानि का दावा नहीं किया है मैंने, सुन ली तू। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हम बॉलीवुड में रह के मेहनत करते, तेरी तरह लोगों को ब्लैकमेल नहीं करते, समझी। तो मुझे मेरे पति तू मत गिनवा, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड मत गिनवा तू, मुझे मालूम है मेरा कौन है कौन नहीं है। और चर्बी की दुकान, अगर तुझे लगती हूँ मैं चर्बी तो अपने आप को देख, मरी हुई सी हड्डियों का ढांचा, जो लेपोसक्शन कर करके भी डॉक्टर बेचारे डॉक्टर का लेपो हो गया, ऊपर से नीचे तक सर्जरी करा करा के। अब देश की जनता, आप कमेंट करो रे, अब कमेंट करो इस गधी पर, मैंने तो इसकी बजा दी, अब तुम लोग भी बजाओ इसकी। चलो जय हिंद जय महाराष्ट्र, है ना, बजाई ना, हटो रे। हमको अलाउड नहीं है सेट छोड़ के जाना, नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम लोग वर्कर हैं और ईमानदारी से हम सेट पे काम करते हैं। इसको क्या है, कपड़े उतार दो, अभी नारी काली बन गई है। ये राखी सावंत एक नारी,
ये शर्ली चोपड़ा पर भारी, इसकी बजा दी मैंने बैंड, अब मर। थैंक यू राकेश जी। ओके छोड़ दो अभी मेरे को, छोड़ दो।